जहां मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे कम लोग हैं जो वहां गए होंगे। जो जो लोग वहां गए होंगे तो वो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि हम वहां गए हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कश्मीर में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिसका नाम है बादमबारी, जो मार्च में ही खुलती है। वो जगह मार्च में ही वहाँ फूल वगैरह खिलते हैं, तो हम आपको लेके चलते हैं बादमबारी, जहां मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे कम लोग हैं जो वहां गए होंगे। जो जो लोग वहां गए होंगे तो वो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि हम वहां गए हैं। तो चलो हम लेके चलते हैं आपको बादमबारी। फाइनली आई एम रेडी टू गो। तो फाइनली पहुंच गए मैं अपनी गाड़ी के पास। आज हम लेके जाते हैं किया सेल्टोस को, इसी में देखते हैं जरा कैसे मजे हैं। अब आज हम इसको लेके जाएंगे। तो बनिहाल का जो फोर वे है लांबर से निकल के कितना खूबसूरत है, आप इसमें पीछे देख सकते हो जो पहाड़ी है। पहाड़ी में अभी बर्फ भी दिख रही है अभी थोड़ी सी, एकदम अब ग्रीनरी भी धीरे धीरे आ गई। अब तो यहाँ का मौसम है जो एकदम मस्त मौसम हो जाता है यहाँ पे, एकदम खूबसूरत। पहुंच गए वैली में, आप देख सकते हो वैली में कितनी खूबसूरती आई है आफ्टर विंटर। और ये जो यहाँ से जो जम्मू के लिए जो गाड़ी जा रही है, ये टोल प्लाजा है जो जम्मू की ओर जाते हैं उनको टोल करता है। बाकी हम दिखाते रहेंगे आपको आगे आगे खूबसूरत खूबसूरत चीजें, खूबसूरत जगहें। टोल में एंट्री कर ली, हम VIP लाइन से जा रहे हैं भाई। जब भी हम यहाँ कश्मीर आते हैं तो हमारा कभी टोल नहीं पड़ता है। पापर में कुछ ही टाइम में हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर। थोड़ा सा हम नीचे उतरे, आप देख सकते हो पीछे कितने खूबसूरत एरिया है, एकदम ब्यूटीफुल है। सरसों लगा हुआ है जो आप पीछे देख रहे हो, ये साथ में ये सरसों लगा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है, और यहाँ का मौसम भी टेम्परेचर भी बहुत अच्छा हो रहा है डे बाई डे। तो अब कश्मीर में मज़े मज़े हैं। यहाँ भी लोग हैं, बाहर के लोग अब आए क्योंकि यहाँ पे जो है सर्दियाँ ख़त्म हो गई। आप भी आए यहाँ घूमने के लिए। पर क्योंकि यहाँ पे पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, ये वर्ल्ड की सबसे महंगी ज़मीनों में से एक ज़मीन है। तो अब हम वहाँ पर पहुँचे क्योंकि ये ज़मीन जो है यहाँ पे टोटल जो है केसर की खेती की जाती है। ये ज़मीन जो है आप खरीदो फरोख्त इस ज़मीन में नहीं हो सकती क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने बैन लगाई है। ये बाईपास श्रीनगर, ये जो राइट वाला रास्ता है ये जाता है डल गेट वगैरह वगैरह के लिए सोनवार वनवार, और जो लेफ्ट वाला रास्ता है ये जाता है एयरपोर्ट और हैदरपुरा के लिए। तो अभी हमने जो है लेफ्ट के लिए निकलना है। कुछ ही टाइम में हम पहुंचने वाले हैं बादमबारी। ये जो बादमबारी है ये सिटी में ही है बादमबारी, ये हजरतबल के साइड है। यहाँ पे आप थोड़ा आ सकते हो, यहाँ थोड़ा कंजेस्टेड एरिया अभी। फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई, बहुत कम से टाइम लगा मुझे पार्किंग लगाने में क्योंकि यहाँ पार्किंग बहुत कम है और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम मुझे आधा घंटा हुआ यहाँ मुझे पार्किंग गाड़ी लगाते हुए। बाकी हमारी फैमिली जो मेरे साथ थे, बच्चे बच्चे साथ थे, वो अंदर गए। तो अभी मैं भी जाता हूँ अंदर, जरा देखते हैं कैसा है बादमबारी का बाग कैसा है, उसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अभी हम अंदर। तो हमने ऑर्डर भी दे दिया खाने वाने का, अभी निकलते हैं हम अंदर, जरा देखते हैं बादमबारी कैसे। मेरा भी फर्स्ट टाइम यहाँ आना है भाई। ये है इसकी जो है एंट्री है, एंट्री बहुत बड़ी एंट्री है इसकी, आप देख सकते हो जो बादशाहों का आर्किटेक्ट था, एकदम कमाल लाजवाब। ये मेरी एंट्री होगी अंदर भाई बादमबारी में। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी घूम रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। तो हम भी अभी अंदर जा रहे हैं, अब साथ में साइड में देख सकते हो आगे पीछे। पीछे देख सकते हो ये जो है इन्होंने बनाया है फोटोग्राफ के लिए, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी का भी है लेकिन वो पानी इसमें अभी है नहीं, ये पीछे है जो है टोटल फोटोग्राफ के लिए है। बाकी आप देख सकते हो मेरे साथ में राइट लेफ्ट बैक जो भी है, देखो फूल कितने खिले हुए हैं, बादाम के जो दरखत है, जो बादाम हमारे हैं आलमंड्स उनके जो दरखत, उनके कितने फूल खिले हैं। तो ये आप देख सकते हो, अभी इसकी हिस्ट्री भी है, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कुछ ही टाइम के बाद क्योंकि मेरा खाना आ गया अभी। भाई साहब आ रहे खाना लेके। सर हेलो जनाब, जनाब जनाब मेरा ही खाना आया था। तो भाई ने जो है हमारे को बाग में ही खाना जो है डिलीवर किया, इसका कुछ 700-800 रुपये जो है हमारा लंच करना था, 800 का कुछ लंच बना। अभी दिखाते हैं हम क्या क्या मंगाया, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी दिखाएंगे हम आपको खाना मंगाया था, अभी देखते हैं क्या क्या मंगाया है। बिरयानी मंगाई थी, ये बिरयानी हो गई, और साथ में और भी बहुत कुछ मंगाया था, देखते हैं ये क्या है। ये जो है ये फिश मंगाए थे भाई, फ्राइड डिश, और ये बिरयानी है। पानी लाया आपने? चलो पानी भी पहुँच गया हमारा, तो यहाँ पे नीचे, और जो है ये भी फिश, हाँ ये फिश दो मंगाए थे आप देख सकते हो, और भी हमने कुछ मंगाए थे।
एक चिकन रोल मंगाया और दूसरा है चिकन शोरमा मंगाया। तो अभी हम खाते हैं पहले, उसके बाद आपसे बात कर ले, ताकि पहले भूख भी लगी है, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा, फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया, अभी हम सीधा यहाँ पहुँचे, अभी हम बनिहाल से यहाँ पहुँचे सिर्फ, और अभी खाना वाना खाएंगे, उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री बताएंगे हम आपको कि यहाँ की हिस्ट्री क्या है, वो पूरा हम बताने की कोशिश करेंगे, जितना हमारे से हो सके वो हम बताएंगे। और भी हमने एक दो जगह पे जाना है, तो अभी मिलते हैं आफ्टर लंच। क्योंकि सामने से आवाज़ आ रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, अभी कश्मीरी गाना गा रहे हैं अभी, क्या आप देख सकते हो, सुन रहे हो अभी, एकदम ज़बरदस्त रबाबा वगैरह वगैरह जो भी इनका सामान है अपना गाना गाने का, एकदम से गाना गाना चल रहा है और लोग साइड में बैठे हैं, टोटल कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ बैठे हुए म्यूजिक का एंजॉय करते हुए। यही वो कुआं है जहाँ पे वारिस खान जो है, जो भी कोई क्राइम करता था उसकी फौज में से या उसके जो लोग थे, अगर कोई भी क्राइम करता था और वो इसी में उनको डालता था, और यहाँ उनको सजाए मौत मिलती थी, और इसलिए ये जो कुआं बनाया गया है, ये बहुत बड़ा कुआं है, ये बहुत नीचे गहरा बहुत ज़्यादा है, तो यहीं पर उनको जो है सजाए मौत दी जाती थी। बाकी आप देख ही सकते हो कितने खूबसूरत जो है ये नज़ारे, यहाँ पे कितने खूबसूरत फूल खिले हुए हैं आजकल। तो फ्रेंड्स, इस गार्डन की जो हिस्ट्री है, ये 1400 सेंचुरी में जो है सुल्तान जैनुल आबदीन ने अपनी फैमिली के लिए बनाया था, ताकि अपनी फैमिली जो है यहाँ थोड़ा सा पिकनिक वगैरह कर सकते थे, वो यहाँ थोड़ा घूमने के लिए जो है थोड़ा आते थे अपने टहलने के लिए। और उसके बाद जो है अफगान गवर्नर जो है गवर्नर ने जो यहाँ पर एक कुआँ बनाया जिसका नाम था वारिस खान, और उसने इसलिए बनाया कि जो भी क्रिमिनल जो भी कोई क्राइम करता था और उसको जो है इस कुएं में डाला जाता था, और उसको यहीं पे जो है उसको मौत सजाए मौत मिलती थी। और उसके बाद जो है बहुत साल जो है यहाँ पे खानाबदोश लोग रहने लगे, यहाँ पे जो है वो जो गुजर बकरवाल जो है अपने माल मवेशी को जो यहाँ पर लाते थे, और उनको जो है यहाँ मतलब घास वास चराने के लिए कुछ टाइम के लिए आते थे। और उसके बाद जो है ये बहुत साल जो है ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद जो है 2008 में जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है इसको अब जो है स्पॉन्सर किया, और उसके बाद जो है उन्हें रेनोवेट किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है दरख्त वगैरह इनको अच्छी तरह से जो है टेक एंड केयर किया। और उसके ये जो है टोटल जो बादमवारी का जो टोटल जो लैंड है, ये 300 कनाल पर मुश्तमिल है। और इस जो बादमबारी को जो है सबसे ज़्यादा डेवलप करने में जो है उसके बाद J&K बैंक का जो है रोल रहा है। और अब जो है लोग यहाँ पे जाने लगे हैं कि बादमबारी भी एक घूमने की जगह है। ये सबसे पहले जो है जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले जो है यहाँ पर जो फूल खिलते हैं, जो यहाँ पर जो नेचुरल लवर्स जो है जो खूबसूरती को, जिन लोगों को जो है खूबसूरती पसंद है और जो लोग घूमना ज़्यादा घूमना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले जो बादमवारी का रुख करें, क्योंकि यहीं पे जो है आपको फर्स्ट सीज़न में जो जम्मू एंड कश्मीर में फूल जो है देखने को मिले। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत झाड़ियां हैं, कितनी खूबसूरत फूल है, आप ये देख सकते हो कितने खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद फूल है। यहाँ पर बहुत सारे आप टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि आप कुछ साल जो है यहाँ सबको पता चला है कि बादमवारी जो, ये आप जो ऊपर देख सकते हो आप, ये हरे पर्वत फोर्ट है जो अकबर ने बनाया है। फोर्ट स्टोन जो है वो अकबर ने डाली है। उसके बाद जो है क्या नाम है, अफगान गवर्नर भी आए यहाँ पर रहने के लिए। फिर कुछ मतलब ये बहुत सारी हिस्ट्री है इसके, कि बहुत सारे लोगों ने जो इसको धीरे धीरे बनाया है। तो अभी हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, ज़रा देखेंगे वहाँ का क्या क्या चीज़ है। बाकी यहाँ बादमवारी से हम निकलते हैं अभी। अब यही डिसाइड किया कि हरी पर्वत अब नहीं जा सकते, क्योंकि शाम के 6 बजे हैं, वहाँ पे जो है थोड़ा अंधेरे में नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम सीधा निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। और यहाँ पे कश्मीर के मौसम का जो है कभी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बर्फ़ हो सकती है। ये देख सकते हो आप, वहाँ से जब आए हम तो बहुत गर्मी थी, और अभी जो है मौसम ख़राब हो गया और बारिश शुरू हो गई। तो अब हम निकलते हैं वापस बनिहाल की ओर। देख सकते हो अभी कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, अभी रोड भी खूबसूरत, आसमान भी देखो कितना खूबसूरत, वाओ बहुत मस्त। अभी मन कर रहा है कि ये वीडियो बनाते रहे कंटिन्यूइंग, बहुत खूबसूरत दिख रहा है अभी भाई यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा ऐसे वीडियो में, अभी ऐसे शाम के टाइम ऐसी खूबसूरती का कोई अंदाज़ा ही नहीं है अभी जितना खूबसूरत अभी आ रहा है।
पहुंचे पांपोरा। पांपोरा एक ऐसी मशहूर जगह है कहवे के लिए, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो कश्मीरी कहवा पी के जाता है। चाहे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, हमारे आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, जो भी कोई आता है कश्मीर तो वो एक बार जरूर जो है पांपर आके कहवा, कश्मीरी कहवा पीते हैं। तो हम भी चलते हैं अभी कहवा पीने। पांपर हम भी थोड़ा सा कश्मीरी कहवा पियेंगे, क्योंकि कश्मीरी कहवा बहुत मशहूर है। तो अभी इसकी थोड़ा चुस्कियां लेंगे, क्योंकि जो भी कोई चाहे कहीं से भी आता है पूरे हिंदुस्तान से, जो भी यहाँ कश्मीर आता है वो एक बार जरूर पांपर पहुंचता है। कश्मीरी कहवा वगैरह पी लिए, अभी हम निकले यहाँ से सीधा बनिहाल के लिए। तो अभी दिखाते हैं आगे आगे थोड़ा सा आपको कुछ नजारे, तो उसके बाद करते हैं आपको बाय। हमने जो है टनल क्रॉस कर लिया, जाम भी लगा हुआ था बहुत ज्यादा, तो हम पहुंच गए बनिहाल एरिया में। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया अपने घर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, लव यू।